फ्रेंड्स, यहाँ पे रियलमी अपने दो बजट न्यू स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करने वाली है। जो फ्रेंड्स रियलमी एक्स सेवन 5G स्मार्टफोन होने वाला है और रियलमी एक्स सेवन प्रो 5G स्मार्टफोन होने वाला है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स स्पेसिफिकेशंस तो पूरे लीक हो गए हैं, फ्लिपकार्ट में आपने भी देख लिए होंगे। इस वीडियो में भी फ्रेंड्स आपको उसके स्पेक्स तो पता चल जाएंगे, वैसे ही यहाँ पे आपको प्राइस पॉइंट उसकी पूरी पता चल जाएगी कि कितने प्राइस पॉइंट में आपको ये स्मार्टफोन मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को आपने पूरा एंड तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रक्षित, आप देख रहे हैं टेक विद रक्षित यूट्यूब चैनल को। तो बिना किसी देरी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो पे हम रियलमी एक्स सेवन 5G स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे और यहाँ पे मैं आपको रियलमी V1 5 स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा कि वो स्मार्टफोन आपको लॉन्च मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा, या जो रियलमी एक्स सेवन स्मार्टफोन है वही रियलमी V1 5 है या नहीं है, तो ये भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले हम रियलमी एक्स सेवन 5G स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो बेस्ट बजट 5G स्मार्टफोन आपको ये मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 इंचज की सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिल जाती है, जो फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ आपको मिलेगी। और प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको Realme UI Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स ये स्मार्टफोन मिल जाता है और यहाँ पे आपको MediaTek का Octa-Core 800U 5G प्रोसेसर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो एक बहुत बढ़िया प्रोसेसर फ्रेंड्स अभी MediaTek की तरफ से चल रहा है और जो लेटेस्ट प्रोसेसर है और गेमिंग के लिए आपका बहुत बढ़िया प्रोसेसर आपको ये मिल जाएगा। वेरियंट की बात करें तो दो वेरियंट में आपको ये फ़ोन मिल जाएगा, 6/128GB और 8/128GB में फ्रेंड्स ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा। कैमरे की बात करें तो बैक में आपको क्वाइट कैमरा सेटअप मिल जाएगा, जो आएगा 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आएगा, 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा आएगा, 2 मेगापिक्सल का जो मैक्रो कैमरा आएगा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा विथ LED फ्लैश के साथ। और जो फ्रंट कैमरा फ्रेंड्स आपको मिलेगा 32 मेगापिक्सल का, यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। सेंसर आपको सब चीज़ मिलेंगे फ्रेंड्स, फेस लॉक भी मिलेगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बैटरी बैकअप की बात करें तो 4300 mAh तक की यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगी विथ 50W फास्ट चार्जर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मिलेगा। और फ्रेंड्स रियलमी ने ये अनाउंस कर रखा है कि 100% चार्ज ये आपका 35 मिनट में हो जाएगा, तो आप लगा सकते हैं कि कितना आपको सुपर फास्ट चार्जर यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं लॉन्च डेट की बात करूँ तो ये 4 फरवरी को लॉन्च हो जाएगा, फ्लिपकार्ट में भी आप इसका टीज़र देख सकते हैं। और प्राइस रेंज की बात करें तो यहाँ पे प्राइस रेंज भी फ्रेंड्स इसकी कंफर्म हो गई है। जो हमारा 6/128GB वाला स्मार्टफोन आएगा फ्रेंड्स, ये आपको 19,999 का मिलेगा और 8/128GB वाला स्मार्टफोन 21,999 रुपीज़ का फ्रेंड्स ये आपको मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की कंपेयर करूँ यहाँ पे रियलमी V1 5 के साथ, तो आपको सेम स्पेसिफिकेशंस इस स्मार्टफोन में मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो यहाँ पे कंफर्म हो गया है कि रियलमी V1 5 अब आपको नहीं मिलेगा। जो रियलमी V1 5 का स्मार्टफोन है फ्रेंड्स, रियलमी एक्स सेवन 5G स्मार्टफोन यहाँ पे आपको मिलेगा, सेम स्पेसिफिकेशंस है, तो यहाँ पे आपको रियलमी एक्स सेवन 5G स्मार्टफोन ही फ्रेंड्स यहाँ पे मिल जाएगा। ये भी अभी रियलमी की तरफ से कन्फर्म हो गया। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो आपके लिए रियलमी एक्स सेवन प्रो 5G स्मार्टफोन की मैं लेके आ लूँगा। दोनों में अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो कोई डिफरेंस यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको चार्जिंग थोड़ा सा और फास्ट मिल जाता है और थोड़ा सा कैमरे में आपको और अपग्रेड मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो, जो रियलमी एक्स सेवन 5G स्मार्टफोन बेस्ट बजट 5G स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। तो मिलते हैं कोई और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम।